हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, उस शेयर को लेकर मैंने 3-4 दिन पहले ही आपको अपडेट दी थी। मैं आपको चैनल पर ये चीज़ दिखा सकता हूँ। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड शेयर। इस पर आपको वीडियो दिया था और उसमें मैंने दिया था कि अभी तो बस शुरुआत है, और उसका जिस भी साथी ने वो वीडियो देखा है तो आज वो यहाँ सीधा कंपेयर कर सकता है कि उस समय स्टॉक प्राइस कितना था और आज स्टॉक जो है कहाँ पहुँच चुका है। तो इस वीडियो में हम रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड शेयर के बारे में बात करेंगे। कंपनी में दो बहुत बढ़िया न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं जो कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ हैं और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी अच्छी चीज़ हैं। उससे पहले अगर हम आज की बात करें तो आप देख सकते हैं अपर सर्किट स्टॉक में दिखा है, पिछले 5 दिन में आप सीधा सीधा देख सकते हैं 21% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में बनी हुई है। एक महीने में 20% के रिटर्न्स, एक साल की बात अगर करें तो 377% के रिटर्न्स इतने अपने निवेशकों को दिए हैं और बहुत ही फंडामेंटली काफ़ी मजबूत ये कंपनी है। चलिए अब हम वो दो जो न्यूज़ आई हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये न्यूज़ आज की ही है। आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है उन्होंने डाटा अपना दिया है और उसमें देखिए, आप यहाँ सीधा देख सकते हैं, मैं आपको ये आर्टिकल दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा कि रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन स्टील ट्यूब इंडस्ट्री टुडे अनाउंस इट्स सेल वॉल्यूम परफॉर्मेंस। वॉल्यूम सेल्स का डाटा कंपनी ने जो अभी ये क्वार्टर 31 मार्च को एंड हुआ है उसके डाटा दिए हैं, और इसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी रजिस्टर्ड ए सेल्स वॉल्यूम ऑफ 35,872 टन इन क्वार्टर 4 कंपेयर टू 23,962 टन इन क्वार्टर 4 21 एंड 24,373 टन इन क्वार्टर 3 जो अभी लास्ट क्वार्टर गया था, उसमें जो सेल्स वॉल्यूम थी वो कंपनी की 24,373 करोड़ थी। बट इस क्वार्टर में जो ये डाटा है आप सीधा सीधा देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जंप इसमें आई है, 35,872 टन की सेल्स वॉल्यूम आई है। और अगर हम इसको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये 23,962 टन थी। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें सीधा सीधा एडिशन होता हुआ हमें दिखाई दिया है, ग्रोथ होती हो दिखाई दी है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 52% तक जो सेल्स का डाटा है वो एडिशन उसका होता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो ये कंपनी के जो अभी Q4 के जो नंबर्स आएंगे वो आपके लिए ये एक ट्रेलर यहाँ मिल चुका है कि कंपनी के नंबर्स जो है कितने ज़बरदस्त आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने जो आज अपना सेल्स वॉल्यूम का जो डाटा दिया है उसको आप सीधा सीधा देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी 52% के लगभग जो है कंपनी के जो सेल्स हैं वो बढ़े हैं पिछले कंपैरिजन के बेसिस पर और लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर के बेसिस पर। वहीं अब हम बात कर लेते हैं, ये पहली न्यूज़ थी, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी कंपनी में जो गुड न्यूज़ आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक 16th स्ट्रीट एशियन एक फ़ंड है, आप यहाँ सीधा देख सकते हैं 16th स्ट्रीट एशियन जेम फंड्स, उन्होंने जो रामा स्टील ट्यूब्स है इसमें स्टेक उठाया है। तो आप यहाँ ये आर्टिकल में देख सकते हैं कि एक बल्क डील हुई है, NSE पर ये रिकॉर्ड है कि जिसमें 2,20,000, आप यहाँ सीधा देख सकते हैं 2,20,000 जो शेयर्स हैं उनको पिक किया है 16th स्ट्रीट एशियन फंड ने, और उन्होंने इस डील को 350 के प्राइस पर लिया है। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कंपनी में बड़ा माल उठाया गया है, इकट्ठे ही 2,20,000 जो शेयर्स हैं वो 16th स्ट्रीट एशियन एक जो फंड है
उन्होंने इस कंपनी में स्टेक उठाया है। इसके अलावा आपको पता ही है कि ये जो कंपनी है और इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनका अफ्रीका, नाइजीरिया, काफ़ी जगह इनका बिजनेस है, और स्टील सेक्टर में जो इनका ट्यूब्स पाइप्स का बिजनेस है उसमें ये कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज कर रही है। वहीं इन दो न्यूज़ का इम्पैक्ट आप सीधा सीधा, अगर मैं आपको कंपनी का वॉल्यूम का डाटा दिखाऊं तो आप सीधा देख सकते हैं कि कंपनी का जो वॉल्यूम है उसमें सीधा सीधा कितना, लगभग 4 गुना वॉल्यूम्स बढ़ चुके हैं। एक मंथ पहले 2 लाख शेयर्स की एवरेज थी और आज की डेट में आप देख सकते हैं 7 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग की हमें सीधे सीधा यहाँ दिख रहा है। कितना बड़ा कंपनी में उछाल एकदम से हमें यहाँ सीधा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जो भी साथी रामा स्टील ट्यूब्स में अभी इन्वेस्टर बैठे हुए हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपडेट है। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस स्टॉक को होल्ड करें, पेशेंस रखें, टाइम दें, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अभी आप देख पा रहे हैं पिछले 5 दिन में जो स्टॉक है वो 316 के लेवल से उठकर 383 पर पहुँच चुका है, और आगे भी आप इसको 480 से 500 के लेवल पर जल्द आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। और अभी Q4 के नंबर्स आने हैं, अब जिस हिसाब से कंपनी ने सेल्स डाटा दिखाया है तो नंबर्स भी 101% काफ़ी अच्छे कंपनी पेश करेगी, और उसके बाद जो है स्टॉक में और ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी रामा स्टील ट्यूब शेयर के बारे में जो आप लोगों को देनी थी। आपको अपडेट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।